ये है FND का 5.1 surround sound Bluetooth speaker F6000X जो recently launch हुआ है Indian market में और आज मैं करूंगा इसका full review जिससे आप जान पाएंगे इसमें क्या क्या features हैं, क्या इसके base से neighbors को परेशान किया जा सकता है और क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं। Hey guys, मैं हूँ राकेश from UTech, let's drop some bass. Okay, let's jump into the unboxing. तो आप देख सकते हैं इसका box काफी बड़ा है जिसको open करने पर मिलता है main box. बॉक्स को ओपन करने पर मिलता है 5 सैटेलाइट स्पीकर एंड एक बड़ा सबवूफर, कुछ वायर्स टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक रिमोट टू बैटरीज और एक लंबा सा मैनुअल जो कोई पढ़ता नहीं। ओके, नाउ लेट्स सेट दिस थिंग अप क्विकली ऑन द टेबल। स्पीकर्स को सबवूफर से कनेक्ट करने के लिए जो वायर्स दिया हुआ है ये बहुत ही बड़ा है, मतलब इतना बड़ा कि अगर आप घर के बाहर नेबर के डोर के सामने भी रखना चाहे तो भी पॉसिबल है। ओके, नाउ द सर्विस कंप्लीट, लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन फर्स्ट। इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है, पूरा डेंस मटेरियल से बना है। इसका डिजाइन भी एकदम मॉडर्न है। सामने सबवूफर में जो RGB लाइट है वो एकदम कूल लुक देता है पूरा सिस्टम को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स के बारे में। मार्केट में आपको इसका प्राइस 10,000 के आसपास पड़ेगा, तो 10,000 रुपीज के आसपास जो पॉपुलर 5.1 स्पीकर मिलता है, सोनी DAV TZ145, फिलिप्स का 5.1 स्पीकर और FND का ये नया F6000X। सोनी के स्पीकर में ब्लूटूथ नहीं है तो ये डिस्क्वालीफाइड, फिलिप्स में है, FND में भी है। सबवूफर पावर रेंज फिलिप्स का 45 वाट है और FND का 60 वाट है। सबवूफर फ्रीक्वेंसी फिलिप्स का 40 to 150 हर्ट्ज़ है एंड FND का 25 to 85 हर्ट्ज़ है। फिलिप्स में फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा है, फिर भी FND का बेटर है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मिनिमम रेंज जितना कम होता है बेस उतना ज़्यादा होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज़ के नीचे होता है तो उस बेस को आप एकदम फील कर सकते हैं। तो इस हिसाब से FND का बेस फिलिप्स के स्पीकर से बहुत ही अच्छा है, और सैटेलाइट स्पीकर का भी फ्रीक्वेंसी रेंज FND में बेटर है क्योंकि आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू बहुत कम है और मैक्सिमम 20 हर्ट्ज़ दोनों का सेम है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो और स्टीरियो सेपरेशन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक स्पीकर चूज करने में, दोनों का ही आप देख सकते हैं FND का बहुत ही बेटर। चलिए आप सुनते हैं स्पीकर का साउंड कैसा है। साउंड्स एक्चुअली ग्रेट और बेस भी बहुत हैवी है इसका। साउंड क्लैरिटी भी एकदम सुपर है, मतलब फुल साउंड में आप इसके सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि साउंड बहुत ही ज्यादा है। ओवरऑल एकदम किलर होम थिएटर सिस्टम है होम यूज के लिए, और नेबर्स को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने के लिए भी ठीक ठाक है। जो मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर आप इसको रिमोट से टर्न ऑन ऑफ करते हो तो GTPL का सेट टॉप बॉक्स ऑन एंड ऑफ हो जाता है। और स्पीकर का वॉल्यूम प्लस माइनस करने से सेट टॉप बॉक्स का चैनल चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम GTPL के सॉफ्टवेयर में है या फिर पर्टिकुलर इस रिमोट में है ये तो मुझे नहीं पता, बट प्रॉब्लम तो हो रहा है। ओके, मेरा सेकंड कंप्लेन FND के इस ऐप को लेके है जिसमें इक्विलाइजर का सपोर्ट नहीं है। अगर आपके फोन में इनबिल्ट इक्विलाइजर अवेलेबल है तो आप इक्विलाइजर यूज कर सकते हैं या तो नहीं। जैसे मेरे S9 प्लस में इनबिल्ट इक्विलाइजर है तो इक्विलाइजर का ऑप्शन प्ले म्यूजिक में शो कर रहा है, बट OnePlus 6 में इनबिल्ट इक्विलाइजर नहीं है तो ऑप्शन मिसिंग है। बट फिर भी अगर आप इक्विलाइजर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी ऐप प्ले स्टोर से परचेस करना पड़ेगा। अगर मैं पेनड्राइव कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो फिंडा के ऐप से पेनड्राइव का एक्सेस किया जा सकता है एंड FM का भी सपोर्ट दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप फिंडा यूज करते हो तो लॉक स्क्रीन से म्यूजिक प्ले या पॉज नहीं कर सकते जो कि वर्ल्ड के सभी म्यूजिक प्लेयर में सपोर्ट करता है। आई होप फिंडा इस ऐप को फ्यूचर में इम्प्रूव कर देगा अपडेट के थ्रू, बट तब तक के लिए गूगल प्ले म्यूजिक की बेटर ऑप्शन है। और हाँ, फिंडा ऐप से स्पीकर का जो लाइट है उसका भी कलर चेंज किया जा सकता है एंड टर्न अप भी होता है यहाँ से ही। तो ओवरऑल अगर स्पीकर को रिकमेंड करने की बात की जाए तो हाँ, मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगा अगर आप हाई क्वालिटी 5.1 स्पीकर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो, और कंप्यूटर ब्रांड से अगर इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा भी है तो इसके फीचर्स को देखते हुए मेरे हिसाब से यही बेटर ऑप्शन होगा। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द स्पीकर।
और आगे आप कौन सा स्पीकर का रिव्यू देखना पसंद करेंगे ये भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्योंकि गैलेक्सी S10 का रेंडर भी 3-4 दिन में इस चैनल पे आ रहा है जिसका ऑफिशियल रिलीज मार्च में होगा, मतलब अभी भी 3 महीना बाकी है। सो हिट द बेल आइकॉन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और गाइस रेंडर्स का स्नीक पिक के लिए आप हमारे फेसबुक एंड ट्विटर पेज फॉलो कर सकते हैं, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।